हेलो दोस्तों, मैं अमरेन कुमार सिंह रुद्राक्ष इंटरप्राइजेस से आज आपका फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्मार्ट क्लास का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाए। आज की स्कूलिंग का सारा सिस्टम चेंज होता जा रहा है, हर एक चीज़ें हाईटेक होती जा रही हैं। स्मार्ट क्लास भी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रहा है। पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा करते थे, लेकिन आज की डेट में सब जगह स्मार्ट क्लासेस लग रहे हैं, टच स्क्रीन बोर्ड लग रहा है, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं तो ये टच स्क्रीन बोर्ड है, जिसपे सारा पढ़ने लिखने का कार्यक्रम किया जाएगा। तो हम आज आपको सिखाएंगे कि कैसे स्मार्ट क्लास की इंस्टॉलेशन होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि स्मार्ट क्लास इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें लगती हैं जिसकी वजह से हम इंस्टॉलेशन कर पाएँ, जिससे हमें सेटअप करने में आसानी हो। क्लास इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है एक स्मार्ट बोर्ड की। स्मार्ट बोर्ड के साथ कई चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अलग से डिफाइन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ती है इंस्टॉल करने के लिए। बोर्ड का एक पैकिंग ओपन करते हैं, तो हमें उस स्मार्ट बोर्ड के पैकिंग में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये एक पैकेट सामने देखिए रखा हुआ है। इसमें एक यूएसबी केबल मिलता है, जो कि एक्सटेंशन केबल होता है, लगभग 8 से 5 मीटर का केबल ये होता है, जबकि सिस्टम से बोर्ड को आप कनेक्ट कर सकें। मेल फीमेल साइड दोनों रहता है। उसके बाद हमें एक पेन मिलती है, जिससे कि हम उसमें स्मार्ट बोर्ड पे लिख पाएं। पेन से भी लिख सकते हैं और आप अपने हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें दोस्तों एक स्टिक मिलती है, जिस स्टिक से को काफी एक्सटेंड किया जा सकता है। लगभग ये 1 मीटर की स्टिक होती है, जिससे कि हम दूर से ही स्मार्ट बोर्ड के सामने आए बिना ही हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि क्या चीजें हैं, जो बच्चों को देखने में दिक्कत ना हो। इस तरीके से बोर्ड पे बिना सामने बोर्ड के बिना सामने आए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। उसके बाद हमें मिलता है एक क्लैंप मिलता है, जो कि बोर्ड टांगने के काम आता है। क्लैंप का सेट हमें मिलता है, इसमें टोटल 4 क्लैंप होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे लगते हैं, जिसमें बोर्ड हैंग किया जाता है। दो ऊपर की ओर 2 नीचे की ओर क्लैंप लगता है। उसके बाद सबसे अंतिम में हमें सीडी सॉफ्टवेयर सीडी मिलती है, जिसको कि हमें चलाना होता है। दोस्तों, जिस बोर्ड की सीडी होती है उस बोर्ड का मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा रहता है, IRC, यानी कि इसके अंदर कई सॉफ्टवेयर होंगे, लेकिन जो मॉडल नंबर इस पे लिखा होगा वही सॉफ्टवेयर आपको रन करना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में दोस्तों 2 तरह के मॉडल आते हैं, एक होता है शॉर्ट थ्रो, एक होता है लॉन्ग थ्रो। अभी जो प्रोजेक्टर हम लोग आज जो जिसके बारे में इंस्टॉलेशन का तरीका आपको बताएंगे वो लॉन्ग थ्रो वाला है, मतलब ये बोर्ड के से लगभग 10 फीट की दूरी पे प्रोजेक्टर को इंस्टॉल किया जाता है। ऑप्शन है, इन आउट के भी ऑप्शन है, इन भी ले सकते हैं आउट भी ले सकते हैं, ऑडियो इनपुट ऑडियो आउटपुट दोनों है। और लॉन्ग थ्रो और शॉर्ट थ्रो में सबसे बड़ा अंतर यह कि इसका जो लेंस होता है, शॉर्ट थ्रो में लेंस जो फ्रंट पे जो लेंस होता है वो लेंस बाहर की ओर निकला रहता है, और लॉन्ग थ्रो में लेंस अंदर की ओर होता है। उसके बाद दोस्तों जरूरत पड़ेगी हमें स्टैंड की, प्रोजेक्टर स्टैंड की, प्रोजेक्टर सीलिंग माउंट, जिसको हम लोग प्रोजेक्टर सीलिंग माउंट, यह सीलिंग माउंट का एक एक्सटेंशन केबल है, एक्सटेंशन रॉड है, कि जितना ऊपर नीचे करना हो उस हिसाब से हम इसको अप डाउन कर सकते हैं। इसमें कई छेद दिए हैं, जिस हिसाब से मेरा प्रोजेक्टर स्मार्ट बोर्ड पे एडजस्ट हो जाए। उसके बाद इसमें आता है प्रोजेक्टर को ये सीलिंग पे ड्रिल करके, हमें सीलिंग पे ड्रिल करके फास्टनर से इसको वो कसा जाता है, जिससे कि हम अपना प्रोजेक्टर लटका पाए। उसके बाद है ये मेरा ब्रैकेट है, जो कि प्रोजेक्टर के नीचे कई 3 4 सुराख दिए रहते हैं, उस पर हमें सेट करना रहता है, जो कि प्रोजेक्टर मेरा सही से सेट हो पाए।
ये मेरा एडजस्टर है, जिसको हम एडजस्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें लेफ्ट राइट अप डाउन करने की हमें स्पेस मिलती है, वो हमें ब्रैकेट के ऊपर सेट करना रहेगा, ब्रैकेट और रॉड के बीच में ये लगेगा। उसके बाद हमारे ज़रूरत की चीज़ ये आती है वीजीए केबल। वीजीए केबल दोस्तों, वीजीए केबल लॉन्ग लॉन्ग थ्रू में जो लगता है वीजीए केबल, वो लगभग 20 मीटर का केबल एक अप्रॉक्स लगता है, बाकी कुछ दूरी के मुताबिक अप डाउन हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स एक नियर अबाउट 20 मीटर का केबल लगता है वीजीए केबल। वीजीए की जगह आप एचडीएमआई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी नीड के ऊपर है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है एक एक्सटेंशन केबल की, वो भी एक्सटेंशन केबल भी हमको प्रोजेक्टर को जो पावर देने के लिए केबल की जरूरत होगी, वो भी 20 मीटर की ही केबल लगेगी, क्योंकि प्रोजेक्टर और वीजीए का केबल एक साथ ही हमारा ट्रेवल करेगा। उसके बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो स्पीकर साउंड सिस्टम भी हमें उस सिस्टम के साथ अटैच करना। इसके बाद है सीपीयू सिस्टम, आप सिस्टम एक आपको लगाना पड़ेगा, सिस्टम लगा सकते हैं, लैपटॉप लगा सकते हैं। सिस्टम को पावर देने के लिए यूपीएस की ज़रूरत है, कीबोर्ड माउस, इस तरह की सारी चीज़ें हमें लगेंगे। अब हम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, इंस्टॉलेशन का तरीका अब हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी तो हमने आपको बताया कि क्या क्या मटेरियल उसमें लगता है। हमें एक प्लेन सरफेस लेना है, दीवार में ध्यान देना है कि दीवार एक बराबर दीवार होनी चाहिए, मतलब अप डाउन नहीं होनी चाहिए। अब नीचे से हमें 3 से 3.5 फीट का गैप छोड़ना होता है बोर्ड लगाने के लिए। बाकी एज अ रिक्वायरमेंट आप अप डाउन और कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो साइज होता है 3 से 3.5 फीट का होता है जमीन से, फ्लोर से 3 से 3.5 फीट का डिस्टेंस होता है। हम 3.5 फीट का डिस्टेंस लेके एक मार्किंग कर लेते हैं कि मेरा ये हो गया। अब हमने लेके एक मार्किंग कर ली, 3.5 फीट पे एक मार्किंग हमने कर ली। उसके बाद दोस्तों हमें टोटल दीवार की चौड़ाई निकालनी रहती है, टोटल दीवार की हमें मेजरमेंट लेनी होती है, जबकि उसका हम एक सेंटर पॉइंट निकाल पाए, जबकि बोर्ड मेरा लेफ्ट और राइट ना, बोर्ड मेरा लेफ्ट एंड ज़्यादा इधर उधर ना लगे, एकदम सेंटर पॉइंट पे लगे। इसलिए हमें दीवार का एक सेंटर पॉइंट निकालना है। अब सेंटर पॉइंट निकाल के हमने मार्किंग एक कर ली, अब ये मेरे पूरे वॉल का सेंटर है। इसके बाद हमें दीवार का लेवल लेना है, दीवार सही बराबर है कि नहीं है, ये अगर ऊपर नीचे है तो फिर हमें बोर्ड लगाने में काफ़ी तकलीफ आएगी, हमारा बोर्ड की सेटिंग सही से नहीं बैठ पाएगी, जिसकी वजह से हम टच करेंगे कोई चीज़ तो गलत जगह टच हो जाएगी, तो हमें उसको पहले लेवल लेना है। उसके बाद हमने बोर्ड को रख के पहले बोर्ड का पूरा लेवल ले लिया, सीधा होना चाहिए बोर्ड। उसके लिए देखिए हमने वाटर लेवल का इस्तेमाल किया है, जो कि बोर्ड सीधा लगेगा। अब बोर्ड को वाटर लेवल लेके बोर्ड को हम मेजरमेंट करके इसके बाद फिर हम इसमें ड्रिल करेंगे, और चारों क्लैम्प जो हमने आपको पहले दिखाया था, जो बोर्ड के साथ ही मिलता है, ब्रैकेट जो बोर्ड के साथ ही मिलता है, वो हम इसको में इंस्टॉल करेंगे। हम मशीन से ड्रिल करके अब हम बोर्ड को लगाएंगे। क्लैंप को कैरेज करके इसके बाद फिर हम इस पर वाटर लेबल भी निकालेंगे फिर से, लेकिन मेरा बोर्ड एकदम सीधा रहे। वाटर लेवल निकाल के हम इसको कायदे से सेट करेंगे कि दिक्कत कोई ना आए। देखिए दोस्तों, मेरा बोर्ड हैंग हो गया है, अब हम प्रोजेक्टर को हैंग करेंगे। प्रोजेक्टर लगभग बोर्ड से मेरी 10 फुट की दूरी पे रहेगा।
अब हमें प्रोजेक्टर को हैंग करना है। प्रोजेक्टर हैंग हो जाने के बाद फिर हम इंस्टॉलेशन करेंगे, सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करेंगे। Words that make complete sense. The individual.